फ्रेंड्स, क्लास थ्री, लेसन नंबर फोर, अ न्यू फ्लावर बुक एक्सरसाइजेस। लेट्स बिगिन। कॉम्प्रिहेंशन, रीड दी सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इट विल बी फिनिश्ड इफ इट रेन्स। ये खत्म हो जाएगा अगर बारिश हुई तो। हु सेड दिस, लिख लो, उषा। व्हाट इज इट इन द अबव लाइंस, इट कौन है? अ बटर येलो ब्लॉसम। ठीक है, BLOSSOM। What happened to it that night after the rain? उसको क्या हुआ था उस रात जब बारिश हुई? बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। It, यहाँ लिख रही हूँ आंसर, It disappeared in the rain। In the rain, ठीक है। सेकेंड, इट वॉज एज दो टू टाइनी स्टार्स हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट। ऐसा लग रहा है जैसे उस रात दो तारे नीचे ज़मीन पर आ गए हों। वॉट इज़ द ऑथर रेफरिंग टू एज टाइनी स्टार्स? टाइनी स्टार्स किसके लिए यूज़ किया है? इट रेफर्स टू न्यूली ओपेंड OPENED बर्ड्स ऑफ द येलो फ्लावर्स। हुम डिड द ऑथर शो द टाइनी स्टार्स टू? ऑथर ने टाइनी स्टार्स किसको दिखाए? ऑथर शोड द टाइनी स्टार्स, ये न्यूली ओपन फ्लावर, टू उषा। What danger did the tiny stars face after this? उसके बाद क्या face करेंगे? Two goats grazing, दो बकरियाँ और आ गई, वैसी अभी आफत हो रही थी। Two goats grazing in that field। देखो भाई, next जो है ये answer these questions and think and answer I will upload in the next video, play with words करेंगे, ठीक है? चलो D part पे आ जाओ। Usha looked for the flower near a village. Here looked for means searched for. Complete this sentence with the correct phrases from the box. इस box में से correct phrases का looked for का substitute, searched for का substitute ढूंढेंगे। My sister dash my pet cat when I was in Shimla looked after, ध्यान रखना। The crowd dash as the shooting of the film began. The crowd looked on third head David dashed the dictionary to find the meaning of the word looked up. Next head the police officer dashed the case and solved it looked into. ठीक है, आगे चलते हैं। सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द वर्ड्स इन द पिंक, जो पिंक में दे रखे हैं ऐसे ही वर्ड्स ढूंढो। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉसम मीन्स फ्लावर, क्लस्टर मीन्स बंच, डिस्कवर मीन्स फाइंड, फ्लोरिश मीन्स थ्राइव, एडवर्सिटी मीन्स डिफिकल्टी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग बनाइए। ई ई आई ई ई आई और ई ए, चलिए। टी एच आर डबल ई, सेकेंड है टी एच ई आई आर, ये ज़्यादातर रॉन्ग होती है भाई बच्चों की। नेक्स्ट है एस डबल ई डी सीड, नेक्स्ट है बी ई ए डी बीड, फिफ्थ इज L E A F leaf, sixth is E A R T H earth, seventh है H E I G H T height, eighth है P L E A S E, ninth है F R I
ENDE friend. Grammar fun. इसमें हमें दिखाएंगे articles, use of a, an and the. A use करते हैं singular word के साथ जो consonant sound से begin करता है, ठीक है. एन यूज़ करते हैं वॉवल या वॉवल साउंड के साथ इन सिंगुलर नंबर. द इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, लेकिन यहाँ पे ए और एन ही है. एन ऑरेंज इज़ अ फ्रूट एज वेल एज अ कलर. 60 minutes मेक एन आवर एंड 24 hours मेक अ डे. माई सिस्टर हैड एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट. आई सॉ एन एलिफेंट ऑन माई वे टू स्कूल. आई हैव एन अंकल हु लिव्स इन एन ओल्ड हाउस इन गोवा. ईच वन ऑफ यू मस्ट ड्रेस अप एज अ ट्री, अ क्लाउड और एन एनिमल. ठीक है. द इज ऑल्सो एन आर्टिकल. द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, ध्यान देंगे, रिवर्स, फेमस बिल्डिंग, सर्टेन कंट्रीज, न्यूज पेपर्स, सीज एंड ओशियंस, होली बुक्स, माउंटेन रेंजेस, थिंग्स दैट आर ऑफ वन काइंड. इन सब चीज़ों के आगे द यूज होता है. अब आते हैं ए, एन और द. हिमालयाज, द हिमालयाज. स्लाइड, अ स्लाइड. अम्पायर, एन अम्पायर. रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट. लेक, अ लेक. ईयर, अ ईयर. स्काई, सेवेंथ पे द स्काई. अ स्काई नहीं होती. एरो, एन एरो. यमुना, दी यमुना. चीता, टेंथ इज चीता, अ चीता. इलेवेंथ इज अर्थ. अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, द अर्थ. कजन, आ कजन. ठीक है. आई लुक एट द पिक्चर. सी फाइव सेंटेंसेज यूजिंग ए एंड द. चलो आप अपने बनाना, मैं आपको अपने बता देती हूँ. द स्काई इज ब्लू. एन आउल इज सिटिंग इन द होल, इन अ होल इन द ट्री. अ बेयर इज लुकिंग एट द आउल. द बेयर हैज अ फ्लावर इन हिट्स हैंड. A hippo is swimming in the pond. A frog is sitting on the hippo's back. A deer is standing between the bear and the hippo. A rat is looking at an elephant. Communication skills में क्या होता है, आपकी मैम को sentences बोलती हैं, आपको उसके basis पे answer लिखना होता है. Flower, fruit, flower, flower, इस तरीके से जो मैम बोलेंगी उसके answer लिखेंगे. इमेजिन करो कि इमेजिन दैट उषा सेव्ड यू फ्रॉम गॉड. कंप्लीट दिस थैंक यू नोट. चलो इसे कंप्लीट करेंगे. डियर उषा को लिख रहे हैं ना, तो उषा को लिखते हैं थैंक यू नोट. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एज सून एज यू सॉ द गॉड गेटिंग रेडी टू अटैक मी. I was so scared. I do not know what to know. You reacted very swiftly and knew exactly how to handle it. You opened, ya unfurled, dekha hai, opened your umbrella. And attacked the goat. I was amazed to hear you speak goat language. Let me gift you a book as a thank you from, apna naam likh do, from Saxena Tutors. ओके सो इसी के साथ हमारी बुक एक्सरसाइज भी खत्म हो गई. जल्दी मिलते हैं अनदर वीडियो में. बाय बाय.